Hello friends, welcome back and here I am with new video. Thanks a lot for your feedback जो मैंने email अपने description box में लगाया था. मुझे बहुत सारी कहानियाँ मिल रही हैं आप लोगों की, मैं एक पे एक उसको डाल रही हूँ और आप लोगों का बहुत सारा question भी आ रहा है पटना वुमेंस कॉलेज के related उस email पे, तो मैं बहुत time से ignore करते आ रही थी. लेकिन आज जब एक बच्चे ने एक लंबा सा लिस्ट भेजा मुझे, तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे बता ही देना चाहिए. जो मुझे मालूम है मैं बता दूंगी और जो इम्पोर्टेंट है रूल एंड रेगुलेशन वो भी मैं बताने वाली हूँ. आप लोगों ने जो क्वेश्चन पूछा है, अगर आप पटना वुमेंस कॉलेज का साइट अच्छे से देखते तो आपको वहीं पर उसका सारा आंसर मिल जाता. तो लेट्स स्टार्ट. और जब आप यहाँ पटना वुमेंस कॉलेज के साइट पे आओगे तो आपको यहाँ एक लंबी चौड़ी रूल एंड रेगुलेशन देखने के लिए मिल जाएगा. यहाँ पे वो सारी बातें आपको मिल जाएंगी जो आपने मुझसे पूछा था. तो यहाँ पे आपको जाना है सिंपली और रूल एंड रेगुलेशन पे जाना है और वो आपको सब चीज़ मिल जाएगी. इतना लंबा है ये कि मैं आपको सारा पढ़ के तो नहीं बता सकती क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन कुछ कुछ जो मेन पॉइंट्स हैं वो मैं आपको ज़रूर बता सकती हूँ. जैसे अटेंडेंस बहुत ही ज़रूरी होता है यहाँ पे, पंक्चुअल रहना आप लोगों को, लेक्चर ट्यूटोरियल्स प्रैक्टिकल्स सब में आपको प्रेजेंट रहना पड़ता है. यहाँ 75% अटेंडेंस तो मस्ट है. अगर आप मेडिकल इशू है आपके साथ कुछ, तो 65 तो आपको रहना ही चाहिए. अगर आप लीव ले रहे हो तो आपको लीव नोट देना पड़ेगा, ठीक है. अगर आप किसी केस एब्सेंट हो तो नॉन लेक्चर आवर्स में, मतलब कि आपका जिस टाइम क्लासेस नहीं है उस टाइम आप साइलेंटली लाइब्रेरी में बैठ सकते हो, रिक्रिएटिव टॉक कर सकते हो अपने फ्रेंड के साथ, और बेंच जो प्रोवाइड की गई है कैंपस में उस पर भी बैठ सकते हो, जब जो आपने एडमिशन कराते टाइम देखा भी होगा, ठीक है. हमेशा पोलाइट रहना है सबके साथ. और स्टूडेंट लीव नहीं कर सकता कॉलेज बिना परमिशन लिए अपने हायर अथॉरिटी से, और प्रिंसिपल का परमिशन तो चाहिए. और हॉस्टल में कोई भी डे स्कॉलर्स नहीं जा सकते हैं क्योंकि हॉस्टल और उसका रेसिडेंशियल क्वार्टर है वहाँ पे नॉर्मल बच्चों जैसे हम लोग जो डे स्कॉलर्स हैं उन लोग को जाने के लिए नहीं परमिशन मिलती है. और स्पेशल परमिशन पे आप जा सकते हो, टेरेस पे कॉलेज के ऊपर छत पे जा सकते हो. और कोई भी विजिटर अलाउड नहीं है कॉलेज में, चाहे वो आपके पापा हो, भैया हो और बहन हो, कोई भी हो, आप अपने रिलेटिव से और फ्रेंड्स को लेके नहीं जा सकते, चाहे वो अदर कॉलेज का ही क्यों ना हो, तो आप उसको लेके नहीं जा सकते. नोटिस बोर्ड पे कोई मैगज़ीन बुक्स और ये सब आप नहीं लगा सकते हो बिना अप्रूवल प्रिंसिपल के. और फिर अगर आप अपना घर चेंज कर रहे हो तो प्रिंसिपल को बता देना है बिना किसी लेट से. आइडेंटिटी कार्ड पहनना बहुत ही ज़रूरी है अपने गले में. और फिर फ़ोन के बारे में बहुत सारा क्वेश्चन आ रहा था कि फ़ोन यूज़ करना है बिल्डिंग के अंदर कि नहीं, तो यहाँ पे साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि फ़ोन यूज़ नहीं करना है. अगर आप गिल्टी पाए गए तो आपको अकॉर्डिंगली पनिश किया जाएगा, मतलब सिचुएशन के हिसाब से कि मतलब आपने किस टाइप का गलती किया है. 500 आपको फ़ाइन भी लग सकता है और एक सप्ताह के लिए आप सस्पेंड भी हो सकते हो, ठीक है. फिर कैंपस का कल्चर की बात करें तो यहाँ पे क्लासरूम में आपको हमेशा खड़ा होना है जब भी टीचर एंटर करे और वो बोले कि जब आप बैठ जाओ तभी बैठना है, जैसे बचपन में हम लोग करते थे गुड मॉर्निंग सर, वैसा ही कुछ समझ लीजिए. और फिर जब नीचे आएंगे हम लोग तो यहाँ पे देखेंगे कि कोई भी प्ले और स्पोर्ट्स आप लोग ज्वाइन नहीं कर सकते जो कॉलेज के अगेंस्ट हो, और कुछ भी आप लिख के नहीं डाल सकते नोटिस बोर्ड पे बिना प्रिंसिपल के परमिशन के. रैगिंग इज़ अ पनिशेबल क्राइम अंडर द लॉ, तो आपको वो तो नहीं करना है, लेकिन सीनियर्स कुछ ना कुछ करती ही हैं, लेकिन सबसे मिलके रहना है, ऐसा नहीं, डरने की कोई बात नहीं है. और फिर जब नीचे आएंगे तो यहाँ पे एक कमिटी भी बना हुआ है ICC इंटरनल कंप्लेंट सोसाइटी, जिसमें आप अपने प्रॉब्लम्स को रख सकते हो. एकेडमिक प्रॉब्लम है उसको, पर्सनल इशू है उसके बारे में. ड्रेस कोड इस बार चेंज हुआ है तो इसमें कुछ बदलाव भी हो सकते हैं, लेकिन जो प्लाजो और जीन्स की बात है वैसा आप नहीं पहन के जा सकते हो. आपको
सलवार कमीज और दुपट्टे में ही जाना है, मतलब ऐसा कोई भी कपड़ा नहीं पहन के जाना है जिससे हार्म हो कॉलेज के डेकोरम, और डिसिप्लिन का उसका आपको ख्याल रखना है क्योंकि आप लोग भी उसी कॉलेज के बच्चे हैं। एंड सॉरी हियर आई एम फॉरगेट टू मेंशन सम पॉइंट, यहाँ पे आप लोगों के पास अगर व्हीकल है तो उसको अलॉट करने के पर्पस से भी वहाँ पे प्लेस दिया जाता है, आपको गेट के बाहर एंट्रेंस पे कोई भी पार्किंग नहीं लगानी है। ओके, फिर सिख रूम के बारे में भी बताना था कि अगर आप सिख हो तो आपको वहाँ पे मेडिसिन किसी भी तरह का नहीं दिया जाएगा, क्योंकि किस बच्चे को किस चीज़ से एलर्जी है कॉलेज वाला नहीं जानता, इसीलिए आपके पेरेंट्स को कॉल करके वो उनके साथ घर भेज दिया जाएगा अगर इमरजेंसी केस हो तो। इसीलिए आप लोग बिल्कुल ऐसा नहीं सोचना कि बंक मारना है तो सिख रूम में जाके आराम से लेट गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो होप यू लाइक द वीडियो, सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।